हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पे जनरल टॉक्स लेके आया हूँ। और आज जो जनरल टॉक्स का सब्जेक्ट है, मतलब आज का जो मुद्दा है, वो ये है कि हम अपनी तैयारी को फिर से कैसे स्टार्ट करें। मतलब हमको अपनी तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आज का ये मुद्दा है। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता है, कुछ ही लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है और कुछ का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। वो अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, अब वो लोग क्या करें, उन लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए, फिर से कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मैं अपने इससे पहले वाले एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये डिसीजन पूरा पूरा आपका है। और अगर आपने मन बना लिया है कि आपको एक बार फिर से इस एग्जाम्स को देना है, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने जा रहे हो फिर से, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये एग्जाम इस बार जरूर से क्लियर हो। बस आपको करना क्या होगा, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखें कि आप फिर से चीजों को जीरो से स्टार्ट ना करें, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना, शौक हो गया, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर फ्रेंड आप चीजों को जीरो से स्टार्ट करोगे और जब आप एंड तक पहुंचोगे, तो फिर से ही उतना टाइम हो जाएगा इन चीजों को खत्म करने में। फिर से आपको उतना ही टाइम लगने वाला है जितना आपको पहले लगा था। हो सकता है कि अब आपको थोड़ा सा टाइम कम लगे, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप चीजों को फिर से जीरो से स्टार्ट करते हो, मतलब अगर आप फिर से लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन या आप उन जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आप उन चीजों को फिर से पढ़ने जा रहे हो, फिर से उन्हीं चीजों से स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मान के चलो कि आप एग्जाम तक आते आते जहां पर आपने पिछली बार खत्म करा था, आप वहीं तक ही पहुंच पाओगे, ठीक है। कोई भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका नहीं होगा। हो सकता है कि बस आपका रिवीजन हो जाए एक तरीके का, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगे, बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब आप बोलोगे सर हमको करना क्या चाहिए, तो देखो अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। अब आप उन टॉपिक्स को पढ़ो जो टॉपिक आपके छूट गए थे। जैसे कि होता नहीं है कि यार हम जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आने लगता है, हमको लगता है यार कुछ एक हफ्ता और मिल जाता या दो दिन और मिल जाते, मैं इस टॉपिक को भी पढ़ लेता, मैं उस टॉपिक को भी पढ़ लेता, मैं इसको भी कर लेता, मैं उसको भी कर लेता, मैं ये क्वेश्चन बना लेता, वो क्वेश्चन बना लेता। अब आपके पास ये वही टाइम है। जिस समय आप एग्जाम टाइम में टाइम मांगने के लिए भाग रहे थे कि यार आप सोचते थे यार एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो अब ये वही टाइम है आपका। अब आप उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करो जो आपके छूट गए थे या जिनको आप पढ़ नहीं पाए थे, जब आपको टफ लगते थे, ठीक है। अब उन टॉपिक्स आप स्टार्ट करो। अगर आप फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे तो काहे का आपने तैयारी स्टार्ट करी, ठीक है। तो इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल ही इनिशियल स्पेस से स्टार्ट नहीं करना है। अब आप चीजों को वहां से स्टार्ट करो जहां पे आपने खत्म करा था। जैसे कि मान लीजिए किसी का क्वांटम मैकेनिक्स में WKB मेथड वीक है, किसी का पर्टर्बेशन थ्योरी वीक है, किसी को वेरिएशन मेथड नहीं आता है, तो आप उन टॉपिक्स पे कमांड करो। अब आप उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और अगर आप फिर से वही पढ़ रहे हो, श्रोडिंगर इक्वेशन, कैट ब्रा फॉर्मुलेस या ड्राग इक्वेशंस, या आप हार्मोनिक ऑसिलेटर या वन डायमेंशनल पोटेंशियल में जाओ, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिनके क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ इंप्रूव कर रहे हो। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपका रिविजन उस लेवल का हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उन टॉपिक से बाहर निकल के आओगे, फिर वापिस से जब आप WKB, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मैटर इन टॉपिक्स पे पहुंचोगे, आपके पास फिर टाइम की कमी हो जाएगी। फिर आप फिर बोलोगे यार मेरे को दोबारा टाइम मिल जाता। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को उन टॉपिक्स को पहले कवर करना है जो आपको टफ लगते थे या जो आपको समझ में नहीं आते थे, क्योंकि अब आप उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये आपके पास टाइम है, ठीक है। क्योंकि अब पेपर जब होगा तब होगा, लेकिन पेपर तक अब आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम है, रिसर्च करने का टाइम है, तो आप उन टॉपिक्स को आप स्टार्ट करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात समझ में आ गई है। अब आप मुझसे बोलोगे क्या सर हमको फिर से यूट्यूब पे सारी क्लासेस लाइव देखनी जरूरी है, हमको यहाँ वाला कोर्स लेना जरूरी है, हमको वाली क्लासेस करना जरूरी है। या देखो, अगर आप लोग सही है बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, तो आप कोर्सेस में जाओ,
लो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग वही चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आप फिर से ही वही चीज पढ़ रहे हो तो आपका टाइम ही किल हो रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बोलेगा कि आप मेरे कोर्स से मत पढ़ो, सभी बोलेंगे कि आप मेरे कोर्स से ही पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, टाइम आपके पास कम है क्योंकि आप फिर से वहीं से पढ़ोगे तो लास्ट में वहीं पहुंचोगे जहां पे आपने छोड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे आज कहना चाहता हूँ कि अब अपने आप को ऐसे मैनेज करो, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि आप पहले उन टॉपिक्स को कवर करो जो आपके फ्रेंड छूट गए थे, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर क्या हमको क्लासेस में जाना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में हमको जाना चाहिए? तो यार एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्लास होती है चाहे ऑफलाइन की हो चाहे ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन वाले एक दिन पहले बता देते हैं कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन में आपको टाइटल देख के पता लग जाता है कि आज क्लास में ये होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब क्लास करनी चाहिए और कब क्लास नहीं करनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। देखो फ्रेंड्स, मैं भी एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, अगर आप ऐसी बातें बोलूंगा तो मेरे भी व्यूज कम होंगे, मेरा भी बहुत टाइम कम होगा, लेकिन बात है यहाँ पे आपके फ्यूचर की, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं भी जब आपके टाइम पे था मैंने भी खूब मेहनत करी थी, बस ये था कि हमको बताने वाला कोई नहीं था हमको क्या क्या स्टेप अब रखने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर करने वाला हूँ। देखो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करो चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस करो, अगर आप टीचर के साथ मैच कर रहे हो, मतलब टीचर क्वेश्चन लिख रहा है और आपने वो क्वेश्चन टीचर के साथ साथ कर दिया, ठीक है, तो आपको वो क्लास नहीं करनी। क्यों? आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं फिर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आता था ना, है ना। मान लीजिए आपको टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन दिए, है ना, चाहे ऑफलाइन की बात करो या ऑनलाइन, टीचर ने आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे और वो 10 के 10 क्वेश्चन आपने कर दिए, चाहे ऐसे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, आपने कुछ नया सीखा? आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। अब जब आप उस क्लास में गए तो उस क्लास में जाके आपने क्या करा, आपने अपना 1 घंटा खराब करा। आप उस 1 घंटे में कुछ और नया पढ़ लेते क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टीचर के साथ आप, टीचर के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, रेजोनेंस हो गया बढ़िया वाला, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन में जब आपकी और टीचर की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है तो कोई आउटकम निकल के नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। अगर किसी क्लास में जाके अगर आपको लगता है कि मैंने 30% भी कुछ नया सीखा तो वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाली। और अगर आपको लगता है कि किसी क्लास में रख के, किसी क्लास में जाके मैंने वही करा जो मेरे को पहले से आता था, तो आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, बस आपका एक रिवीजन हुआ। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो, आपको ये डिसाइड करना है। क्लास का टाइटल आपके सामने आ जाता है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में बता देते हैं कि हम ये पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट डे, तो ये चीज आपको पता है कि इस क्लास में मेरे को क्या मिलेगा। अगर आप फिर भी उस क्लास में बैठे रहते हो और अगर मान लीजिए आपको वो सारी चीजें आती हैं तो भाई मेरे आपने अपना टाइम वेस्ट करा, ये आप मान के चलो, ठीक है। आप उस टाइम पे कुछ और पढ़ सकते थे, अपने तरफ से कुछ नया कर सकते थे, लेकिन बात हो गई है हमको मोबाइल पे चिपकने की, है ना, स्क्रीन को घूरते रहने की। हमको अच्छा लगता है, एक टाइप का हमको एडिक्शन हो गया है कि हाँ बस लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं, टीचर्स क्वेश्चंस करते रहते हैं और हम बस देखते रहते हैं, ठीक है। अब आप खुद से भी पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपको लगता है इस क्लास में मेरे को जो पढ़ाया गया वो सब कुछ आता था, तो आप उस क्लास को स्किप करके किसी और एजुकेटर की क्लास देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत जाओ, जैसे मान ली अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे एजुकेटर हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि इन सर की क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरे को ऑलरेडी आता है, तो आप किसी और चैनल पर शिफ्ट हो जाओ ना, कौन मना कर रहा है। इतने सारे चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हो, उनको भी देख लो भाई, है ना, उनको भी देख लो। अगर तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो, ऑनलाइन वीडियो देखना बंद कर दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पहले आप अपने फायदे के बारे में बात सोचो, ठीक है। पहले आप अपने फायदे के लिए सोचोगे तो भी दूसरों का फायदा भी आप करा पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो चीजें मेरे को आपको बतानी थी, एक तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए वहां से जहाँ पे आपने छोड़ा था, जिनके लिए आप कहते थे मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो आपके टॉपिक टफ लगते थे, जो आपको समझ में नहीं आते थे या जिनको आप कर नहीं पाए, ये अब वही टाइम है उनको करने का, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है,
क्योंकि आप लोग अगर एक बार पेपर दे चुके हो, दो बार पेपर दे चुके हो, तो आपने क्वेश्चंस भी करे होंगे, आपने पीवाई क्वेश्चन भी करे होंगे, आपने सब कुछ कर रखा है। बस आपको अब वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपके छूट गए थे, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बार अगर आपके पास कोई लिंक आता है और अगर आपको लगता है कि इस क्लास में वही पढ़ाया जा रहा है जो मेरे को आता है, तो स्किप कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आपको आपको बस अपना टाइम बचाना है और आपको बस अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप लेने हैं इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। और हाँ, बताना जरूर कमेंट में कि आपको मेरे वीडियोस, ये जो जनरल टॉक्स हैं, ये आपको लगते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और मेरे लाइव लेक्चर तो आते ही हैं, उनको भी आपको देखना ही है। अगर आपको लगता है कि ये सर ने पढ़ाया हुआ है और ये मेरे को आता है, तो आप मत देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम खाली मुली वेस्ट करें, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर लगता है कि ये सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है या मेरे को ऑलरेडी आता है, तो मत देखो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है, और वो टाइम किसी और चीज़ में लगाओ, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।